कराची से बीपर जॉय का खतरा टल गया। समुद्री तूफान केटी बंदर से 150 किलोमीटर दूर, कराची से 220 किलोमीटर के फासले पर, हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा। शुमाल मशरकी बहर अरब में लहरें 10 से 15 फुट बुलंद। समुद्री तूफान कल शाम तक डिप्रेशन में तब्दील होने का इम्कान। दीपर जॉय भारत से टकरा गया। रियासत गुजरात के साहली इलाकों में मूसलाधार बारिश, तूफानी हवाओं के बायस दरख्त जड़ों से उखड़ गए। लैंडस्लाइडिंग के भी वाकयात, 120 देहात से हजारों अफराद का इनखला, आरजी पनागाहें कायम कर दी गईं। रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट केस, अटॉर्नी जनरल आज भी सुप्रीम कोर्ट में दलाइल जारी रखेंगे। चीफ जस्टिस उमर अताबदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाप्त करेगा। पेट्रोलियम वस्तुआत सस्ती नहीं होंगी अगले 15 रोज के लिए, मौजूदा कीमतें बरकरार, वजीर खजाना इसहाक डार ने ऐलान कर दिया। जियो पॉलिटिक्स हो रही है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, मुखालिफ कुव्वतें चाहती हैं हम श्रीलंका बने और फिर मुजाकरात करें। IMF भी बज़ाहिर पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहा है। मॉनेटरी फंड के बगैर भी पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। बैरूनी खसारे का गैप सिर्फ 3 अरब डॉलर, IMF का 6 अरब पर रुकना गलत है। नवा इक्तसादी जायजा इसी माह मुकम्मल करेंगे, वजीर खजाना इसहाक डार की गुफ्तगु। जमात इस्लामी को शिकस्त, कराची में जियाला मेयर मुंतखब, मुर्तजा वहाब 173 वोट लेकर कामयाब। हाफिज नईम 160 अरकान के हिमायत हासिल कर सके। पीपल्स पार्टी डेप्टी मेयर की सीट भी ले उड़ी। सलमान अब्दुल्ला मुराद 173 वोट लेकर जीत गए। गैर हतमी गैर सरकारी नतायज का ऐलान। मेयर कराची का इंतखाब, जमात इस्लामी ने नतायज मुस्तरद कर दिए। अदालतों से रजू का ऐलान, मैंडेट पर डाका डाला गया, मैदान छोड़ने वाले नहीं, जमहूरी हक के लिए आवाज उठाएंगे। हमारे 31 लोगों को अगवा किया गया या खरीदा गया, ये कब्जा किसी भी सूरत कबूल नहीं। हाफिज नईम की मीडिया टॉक, इलेक्शन कमीशन पर जानबदारी का इल्जाम। बड़ा मैंडेट देने पर कराची वालों का शुक्रिया, तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। अब ब्लेम गेम या तफरीक की सियासत नहीं होगी। शहर के मसाइल के हल के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमत से मदद लेंगे। मुर्तजा वहाब की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। नौ मुंतखब मेयर, ट्रांसपोर्ट निज़ाम की बेहतरी और पानी की फराहमी के मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म। महकमा खजाना की तैयारी नामुकम्मल, नए माली साल के लिए बलोचिस्तान का बजट ताखीर का शिकार। मिजानिया आज पेश नहीं किया जाएगा, 16 के बजाय 19 जून की तारीख मुकर्रर। नए बजट में आमदन बढ़ाने और अखराजात कम करने के इकदाम नहीं किए गए। मिजानिया का 60% सिर्फ कर्ज और सूद की अदायगियों में ही खर्च हो जाएगा। हुकूमत अवामी फलाह के मंसूबों से हाथ खींच सकती है। मौजूदा IMF प्रोग्राम की बहाली की कोई गारंटी नहीं। बैरूनी माली तआवुन के हवाले से भी गैर यकीनी सूरत हाल है। नोटिस का बैरूनी अदायगियाँ न होने पर डिफॉल्ट और रेटिंग मुतासर होने के खदशे का इजहार। और रूस से तेल की दरामद के बाद एक और खुशखबरी, आज़रबाईजान से रियायती LNG कार्गो आइंदा माह आना शुरू हो जाएंगे। काबीना ने मंजूरी दे दी। डील पर बाज़ाब्ता अमल दरामद के हवाले से ज़रूरी इकदाम जारी।